Somebody had, one of them had my feet, one of them had my shoulders. They just carried me in like that because I was that solid. दुनिया में जब भी कोई चमत्कार होता है तो उसका श्रेय भगवान को दिया जाता है। हमने ऐसी कई घटनाएं सुनी है जिनमें एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाता है। कई घटनाएं तो ऐसी भी है जिनमें मौत इंसान को बस छूकर निकल गई लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, जाको राके साइया मार सके ना कोई। यानी जब तक किसी इंसान पर भगवान का हाथ है उसे मौत छू भी नहीं सकती। हम जानते हैं कि विज्ञान ऐसे किसी भी चमत्कार पर विश्वास नहीं करता, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई है जो विज्ञान को सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू करवाएंगे जिसे सुनकर आप भी भगवान पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, डब एनीथिंग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी जीन हिलियट के बारे में है जो 1961 में लैंगवी मिनिसोटा में पैदा हुई। यूएसए में मौजूद इस जगह में 1980 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। 19 साल की जीन हिलियट 20 दिसंबर सन 1980 को अपनी कार से सफर कर रही थी। उस समय वहां का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि वहां पानी भी बर्फ बन जाए। अचानक से मौसम ने करवट ली और तेज तूफानी हवाएं चलना शुरू हो गई। तूफान की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी और जीन का अपनी कार से कंट्रोल हट गया, जिससे उसकी कार एक छोटे से गड्ढे में जा गिरी। अपने साथ ऐसा होते देख जीन घबरा गई और सोचने लगी कि भयानक तूफान से वो अपने घर कैसे जाएगी। तभी उसे अचानक याद आया कि 2 मील की दूरी पर उसकी एक फ्रेंड का घर है और क्यों ना वहां तक पहुंचा जाए। ये सोचकर वो अपनी कार से बाहर आई और उस भयंकर तूफान का सामना करते हुए पैदल ही अपने दोस्त के घर जाने लगी। रास्ते में ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसका शरीर अकड़ रहा था और वो बार बार जमीन पर गिरी जा रही थी। उसे डर लग रहा था कि इतनी ठंड में कहीं उसकी जान न चली जाए। रास्ते में उसे कुछ चोटें भी लगी, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वो अपने दोस्त के घर की ओर आगे बढ़ने लगी। अब उसकी दोस्त का घर मात्र 15 फीट की दूरी पर था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो वहीं पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उस समय रात का 1 बज रहा था। जब सुबह हुई तो 7 बजे उसकी सहेली रोजाना की तरह बाहर टहलने आई। उसने देखा कि बाहर कोई जमीन पर लेटा हुआ है। जैसे ही वो उस बॉडी के पास पहुंची तो वो डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। जीन हिलियट का शरीर पूरी तरह से जम गया था और पत्थर जैसी हो गई थी। जब जीन की सहेली ने ध्यान से उस चेहरे को देखा तो ये देखकर हैरान हो गई कि वो उसी की सहेली जीन है। उसकी फ्रेंड ने समय न गवाते हुए उसे जल्दी से उठाया और अस्पताल ले गई। 6 घंटे तक जम जाने के कारण जीन हिलियट की बॉडी इतनी ठोस हो चुकी थी कि उसकी स्किन में सुई भी नहीं घुस रही थी। बॉडी का तापमान इतना कम था कि थर्मामीटर में भी उसका कोई मान ना हो। जीन की आंखें खुली और जमी हुई थी। आंखों में तेज रोशनी मारने पर भी उसकी पलक नहीं झपक रही थी। जल्दी उसके परिवार वालों को बुलाया गया। सबने सोचा कि जीन की जान जा चुकी है। डॉक्टर ने जब पल्स रेट मापा तो सिर्फ 12 बीट पर मिनट ही आंका गया। नॉर्मल पल्स रेट 60 से 100 बीट पर मिनट होता है, लेकिन जीन के पल्स रेट सामान्य से कई गुना कम थे। डॉक्टर ने बताया कि शराब पीने की वजह से जीन हिलियर्ड के इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स नहीं जम सके, जिसकी वजह से वो अभी भी जिंदा है। अगर उस दौरान उसने शराब नहीं पी होती तो आज वो जिंदा नहीं होती। लेकिन डॉक्टर को भी डर लग रहा था कि कहीं वो मर ना जाए, इसीलिए डॉक्टर ने उसकी बॉडी का तापमान बढ़ाने के लिए उसे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट में रख दिया। जीन के परिवार वाले भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जीन ठीक हो जाए। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट में करंट के झटके खाने के बाद जीन का ब्रेन काम करने लगा और अब वो बोल सकती थी, लेकिन उसकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई थी। डॉक्टर के इलाज की वजह से वो 49 डेज में नॉर्मल हो गई और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। इस घटना के बाद जीन काफी फेमस हो गई और कई टीवी चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया। जीन हिलियर्ड के साथ घटी यह घटना बहुत ही डरावनी थी।
जहां आम इंसान -30 डिग्री सेल्सियस में 6 घंटे रहने के बाद दम तोड़ देगा, पर वहीं पर जीन जिंदा बच गई। डॉक्टर्स और उसके परिवार वाले मानते हैं कि ये सिर्फ भगवान का चमत्कार है, जिसकी वजह से जीन आज भी जिंदा है और अपने परिवार के साथ खुशी से अपना जीवन गुजार रही है। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे किसी चमत्कार पर विश्वास करते हैं या फिर साइंस को ही सही मानते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।